बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान गाजी इजहार न्यूज़ पीके से। आप देख रहे हैं इजहार न्यूज़ पीके, ये आपका अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसकी तमाम वीडियोस को वॉच कीजिए, देखते रहिए इजहार न्यूज़ पीके। इसकी वीडियोस को लाइक कीजिए, उनपे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस जैसी और ख़ूबसूरत वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज मैं एक और ख़ूबसूरत और दिलकश इलाके में मौजूद हूँ, पाकिस्तान की ख़ूबसूरत वादी सून, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं। अपने व्यूअर्स को मैं वादी सून की सैर करा रहा हूँ, मुसलसल ख़ूबसूरत कुदरती मनाज़र से भरपूर बुलंद बाला पहाड़, संगलाख चट्टानों वाले पहाड़ और सरसब्ज़ शादाब पहाड़ों की वीडियोस मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी सुबह का वक्त है, परिंदे चहचहा रहे हैं, उनकी यकीन आवाज़ें आपको आ रही होंगी। अल्लाह ताला ने इस इलाके को बड़ी नेमतों से, बड़ी फयाजी के साथ नवाजा है। यहाँ पे संगलाख, सरसब्ज व शादाब, बुलंद व बाला पहाड़ हैं, गुनगुनाती आबशारें हैं, ताज़ा पानी के चश्मे हैं, ख़ूबसूरत झीलें हैं और साथ ही साथ मैदान भी हैं, सरसब्ज व शादाब मैदान हैं। ये इलाका बड़ा ज़रख़ेज़ है और साथ ही मरदमखेज़ भी है। यहाँ पे कई तारीख़ी शख्सियात, तारीख साज शख्सियात ने जन्म लिया है, जिन्होंने दुनिया से अपना आप मनवाया है। तो मैं वादी सून के इलाके में मौजूद हूँ। ये मेरे सामने जो गांव नज़र आ रहा है, आप इसे देख रहे हैं, ये गांव, इसका नाम कुरड्डी है और मैं इसके मुज़ाफ़ाती इलाके में एक पहाड़ की, एक बुलंद बाला पहाड़ की चोटी पे मौजूद हूँ, जिस पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ वादी सून के ख़ूबसूरत मनाजिर। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कि यहाँ से हम वादी सून का बहुत सारा इलाका देख सकते हैं। तकरीबन 15-20 किलोमीटर का इलाका जो है वादी सून का, ये हम इस जगह से हम देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं वादी सून के ख़ूबसूरत मनाजिर। मेरे साथ रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इजहार न्यूज़ पीके को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियोस को शेयर करें और देखते रहिए इजहार न्यूज़ नेटवर्क। इंशाल्लाह मैं आपको इस जैसी ख़ूबसूरत वीडियोस दिखाता रहूँगा। हमारे साथ रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियोस तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू।